राजस्थान राज्य भारत स्काउट ग्रुप गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो विषय है स्काउटिंग क्या है। आज प्रत्येक व्यक्ति जब इस संगठन से जुड़ना चाहता है तो उसके समक्ष बहुत से प्रश्न उठते हैं कि स्काउटिंग क्या है, मैं इस संगठन से क्यों जुड़ूं और स्काउटिंग से जुड़ने पर मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये प्रश्न बताना चाहता हूं कि स्काउटिंग क्या है। स्काउटिंग के जन्मदाता बेडेन पावेल थे, लॉर्ड बेडेन पावेल। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज सेवा को अपना एक सूत्रधार मानते हुए कार्य किया। उन्होंने इस स्काउटिंग का सूत्रपात किया। उन्होंने बताया कि स्काउटिंग क्या है। उन्होंने अपने चार बिंदुओं के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया कि स्काउटिंग एक खेल है। लॉर्ड बेडेन पावेल के अनुसार स्काउटिंग एक खेल है। स्काउटिंग एक कर्मबद्ध विकास की योजना है। तीसरा बिंदु जो बेडेन पावेल ने बताया वो ये बताया स्काउटिंग लक्ष्य प्राप्ति की प्रणाली है। और फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया वो बताया स्काउटिंग एक कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि स्काउटिंग क्या है और उसके बारे में जो प्रश्न अपने आप अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का हल हम जो प्राप्त करेंगे वो इन बेडेन पावेल के चार शब्दों के अनुसार प्राप्त करेंगे। स्काउटिंग संस्थान में, स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसके बारे में चर्चा की जाती है, ये सब इन चार बिंदुओं से स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के मन में, किसी भी युवा के मन में यह संशय नहीं रहेगा कि वो स्काउट क्यों बने। सबसे पहले हमने बात की स्काउटिंग एक खेल है। देखिए, स्काउटिंग एक खेल कैसे है, क्योंकि स्काउटिंग में एक अपने इस तरीके को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत अंक बालक के पूर्ण विकास में, स्काउटिंग खेल कैसे है क्योंकि बालक के पूर्ण विकास में सहायता देने की का एक शैक्षिक खेल है। बालक के पूर्ण विकास में सहायता देने के लिए एक शैक्षिक खेल के रूप में जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मदद करता है वो स्काउटिंग है। दूसरा बिंदु, बालक के विकास क्रम के अनुरूप होने से रोचक बनता है। बालक के विकास क्रम के अनुरूप कैसे, क्योंकि हमारे स्काउटिंग में अलग अलग एज ग्रुप है। 0 से 5 वर्ष के लिए अलग, 5 से 10 वर्ष के लिए अलग, 10 से 15 वर्ष के लिए अलग और 15 से 25 वर्ष के लिए अलग। अलग विकास क्रम के अनुरूप होने की वजह से उनके आधार पर ही उनमें विकास के लिए अलग अलग रोचक खेल खिलाए जाते हैं ताकि उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास संभव हो सके। तीसरा, सामूहिक कार्यक्रम और चारित्रिक भावना के कारण विकास स्वाभाविक। देखिए, सामूहिक
और दूसरा जो वर्ड है, पहला वर्ड लिया मैंने सामूहिक कार्यक्रम, और दूसरा जो वर्ड मैंने लिया वो लिया चारित्रिक भावना का विकास। हर जगह आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो जिस प्रकार के समुदाय में रहता है उसी तरह की वो बातें सीखता है और उसी प्रकार के उसके आचार विचार और व्यवहार होते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग देखें हमारे स्काउटिंग के सामूहिक कार्यक्रम में अगर बच्चा उपस्थित होता है या भाग लेता है तो उसके चारित्रिक भावना का विकास समाज सेवा के प्रति, उसके खुद के डेवलपमेंट के प्रति, खुद के विकास के प्रति ज्यादा रहता है, न कि एक अलग किस्म के लोगों की या अलग विचारधारा के लोगों की या एक संकीर्ण मानसिकता की विचारधारा उसकी नहीं रहती। वो एक खुलकर जीने वाला, एक अपने आप को उजागर करने वाला व्यक्तित्व बन जाता है। तो इस प्रकार मैंने जो आपको पहला वीडियो बताया, स्काउटिंग एक खेल है क्योंकि ये पूर्ण विकास के सहायता एक शिक्षित खेल के रूप में करता है और बालक के विकास क्रम के अनुरूप इसमें खेल खिलाए जाते हैं और सामूहिक कार्यक्रम और चारित्रिक भावना के कारण विकास स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी जो बात की थी, स्काउटिंग एक क्रमबद्ध विकास की योजना है। क्रमबद्ध विकास क्योंकि इसमें चरित्र का विकास होता है, आत्मविश्वास, निष्ठा, अभिव्यक्ति और संप्रभुता जो भी है उन्हें उजागर करने का मौका आपको इस स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। शारीरिक कष्ट को सहन करने की क्षमता जगाने वाली संस्था स्काउटिंग ही है। इस कड़ी धूप में आप समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं? आपके समक्ष बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सक्षम कैसे दिखा सकते हैं, ये सब आपको स्काउटिंग ही दिखाती है, समझाती है। दक्षता का विकास कला कौशल के प्रशिक्षण द्वारा आत्मनिर्भरता का विकास विश्वास जिताने वाली संस्था हमारी भारतीय स्काउट गाइड या स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन है। अपने परिवेश का सक्रिय और प्रभावशाली अंग, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उस क्षेत्र में, उस परिवेश में एक शक्तिशाली या एक ऐसा प्रभावशाली और सक्रिय व्यक्तित्व बनाने का जो जिम्मा है भारतीय स्काउट गाइड का है। उसके बाद जो सेवा भाव और धार्मिक निष्ठा, ये भी हमारे स्काउटिंग ही सिखाते हैं। तो आपको क्रमबद्ध विकास करना है तो आप स्काउटिंग से जुड़िए, आपको खेल खेलना है आप स्काउटिंग से जुड़िए, आपको तीसरी बिंदु लक्ष्य प्राप्ति करनी है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रणाली है, अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो आप स्काउटिंग से जुड़िए। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति क्यों है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना ही हमारी स्काउटिंग का परम उद्देश्य है। स्काउटिंग अनुभव द्वारा सीखने की व्यक्तिगत क्रियाकलाप है, अनुभव द्वारा सीखने का व्यक्तिगत क्रियाकलाप है। दूसरा, खेलकूद व पर्यवेक्षण को विशेष महत्व या व्यापक प्रयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे क्रियाकलाप आपके समक्ष दिखाए जाते हैं कि आप खेल खेल में बहुत सी चीजें सीख जाओगे। सामाजिक मूल्यों के लिए ग्रुप और पैंट्रोल प्रवृत्ति, हमारे यहाँ आप किसी भी प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव से दूर होकर एक सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ जीते जियो, इसके लिए हमारे यहाँ पेट्रोल प्रवृत्ति अपनाई जाती है। एक पेट्रोल प्रवृत्ति का मतलब एक ग्रुप में, एक कैंप में, एक टेंट में उन सभी को रखा जाता है जो अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांतों से पधारे हैं, उनको एक साथ रखकर ये प्रयास किया जाता है कि किसी में भी ऊंच नीच जाति धर्म का भेदभाव नहीं हो। ये हमारे स्काउटिंग के अंतर्गत आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे सिखाया जाता है। स्काउटिंग का जीवन खुली हवा के कार्यक्रमों का जीवन है। खुली हवा में, स्वच्छंद वातावरण में, खुले आकाश के नीचे आप जीवन विचरण करो और उस विचरण के साथ साथ आप जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई वस्तुओं से खूब सीखो, यही स्काउटिंग का उद्देश्य है। अगर आपको इस प्रकार खुली हवा में जीने का अवसर प्राप्त करना है तो आप स्काउटिंग
ज्वाइन कर। आपको अपने से ऊपर वयस्क जो है उनके अनुभवों का फायदा उठाना है, वयस्कों के सहयोग से आपको किसी भी प्रकार की क्रियान्विति करनी है तो आपको स्काउटिंग करनी चाहिए, आपको स्काउटिंग करनी चाहिए। तो अब मैंने आपके बात की, स्काउटिंग एक खेल है, स्काउटिंग एक क्रमबद्ध विकास की योजना है, स्काउटिंग लक्ष्य प्राप्ति की। स्काउटिंग एक कार्यक्रम, स्काउटिंग एक कार्यक्रम कैसे है, क्योंकि ये तीन शाखाओं में विभाजित है। कब स्काउट कार्य, रोवर रेंज, इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपको स्काउटिंग क्यों लेनी चाहिए। मैं इस स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन में 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। 24 जुलाई 1992 को मैंने इस स्काउटिंग नाम की संस्था में जुड़कर बहुत कुछ प्राप्त किया। आज मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ, आज मुझे किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे हर चीज जो सीखने को मिली स्काउटिंग आंदोलन से मिली। आप सभी को मैं एक ही निवेदन करूंगा, आप इस आंदोलन से जुड़कर अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करवाइए और ये विश्व स्तरीय आंदोलन है, इससे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने आऊंगा कि स्काउटिंग एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में किस प्रकार तीन शाखाओं के माध्यम से स्काउटिंग में आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, किस प्रकार आपके व्यक्तिगत चारित्रिक बौद्धिक मानसिक विकास के साथ साथ आपको प्रमाण पत्रों के साथ साथ आपको आगे सेवाओं में और बहुत सी चीजों में आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये लेके आऊंगा मैं अपने